हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि यीशु की मम्मी राविया की मम्मा से बात करती हैं और उसके बाद राविया की मम्मा राविया से आके कहते हैं कि यीशु ने तुम्हें घर बुलाया, जाओ मिल के आओ। ये सुन के राविया बहुत खुश होती है और वो सीधे यीशु के घर जाती है। यीशु के घर जाते ही जैसे ही दरवाजे पे नॉक करती है तो उसका भाई अमान यीशु को वो आके दरवाज़ा खोलता है और राविया को देखते ही कहता है, तुम बहुत दिनों बाद, कहाँ थी इतने दिनों तक यार, कभी ना कोई कॉल ना मैसेज। ऐसा भी क्या कर दिया है हम लोगों ने जो हमसे बिल्कुल बात करने ही बंद कर दी तुमने। अब इतने भी बुरे हम नहीं थे। तो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं थी अमान, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। क्या हुआ था तुम्हें और बताया क्यों नहीं? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो बताना चाहिए था ना। मैं जाता तुम्हें डॉक्टर के पास लेके। तो कहती है, तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते? हाँ, और वो क्यों? मेरे मम्मी पापा हैं मेरे पास, वो ख्याल रखते हैं मेरा। हाँ आई नो, वो ख्याल रखते हैं तुम्हारा, बट मुझे भी तुम्हारी टेंशन होती है ना। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता मान। अरे यार, एज अ फ्रेंड। एनीवे, ये बताओ इतने दिनों से तुम थी कहाँ, तुम्हें कितना याद कर रहे थे हम। बस कुछ चीज़ों को लेके थोड़ी बिजी चल रही थी। थैंक गॉड कि तुम आ गई, हमें तो लगा था कि पता नहीं कब मुलाकात होगी। यीशु से भी कुछ पूछते थे तुम्हारे बारे में तो वो भी कुछ नहीं बोलती थी, शांत रहती थी, चुप रहती थी, कुछ कहती नहीं थी। अच्छा हाँ, वैसे यीशु है कहाँ? वो रूम में है अपने। ठीक है, मैं उससे मिल के आती हूँ। ओके। तो अमान वहाँ से हट जाता है और राविया सीधे यीशु के कमरे में जाती है। यीशु आधे मुँह बिस्तर पर पड़ी हुई होती है और राविया पीछे से जाके यीशु को हक करती है ऐसी, मतलब वो लेटी हुई होती है तो उसके ऊपर जाके वो लेट जाती है। तो यीशु एकदम से पलटती है और राविया को अपने पास देखती है और कहती है, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने तो बुलाया था मुझे, मैं तुम्हें क्यों बुलाने लगी, तुम ही बता दो मुझे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। और तुम क्यों आई हो तुम खुद मुझे बताओ। यीशु, तुमने ही मुझे बुलाया है, मेरी मम्मी ने कहा है। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी ही होती तो मैं सुबह नहीं कर लेती? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें बुलाऊंगी? क्यों आई हो यहाँ? मैं जब तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम? राविया कहती है, यीशु तुम कोई बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अपनी इज्जत पे क्यों अड़ी रहती हो हर वक्त? मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। मैं इज्जत पे अड़ी रहती हूँ
और कौन से प्यारा रहता है तुम मुझे बताओ। तुम पीछे हटी थी राबिया, तुम भूल रही हो कि तुम पीछे हटी थी। मैं पीछे नहीं हटी थी, मेरे पीछे हटने की वजह थी। क्या वजह थी? उस बात के लिए मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था और पहले ही तुमसे पूछा था। तब तो तुमने बड़े शौक से कहा था कि हाँ चाहे जो हो हर वक्त मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब कहाँ गया वो वादा, वो साथ देना? बताओ मुझे, आप कोई वादा याद नहीं आ रहा? तुम बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, क्योंकि सारी बात तो बस तुम्हें समझ में आती है ना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, कहने का मतलब तो तुम्हारा वही है। तुमने चाहे वैसा कहा हो और चाहे ना कहा हो, लेकिन कहना तो तुम वही चाह रही थी ना। तुम्हारी बात को अपने मतलब से क्यों समझने लगती हो ईशु? राबिया तो मुझ पर चिल्ला रही हो, तो और क्या करूं? तुम ही बता दो मैं क्या करूं। जितना दर्द तुम्हें है ना उतना ही तुम्हें दर्द होता ना, तो तुम ये हरकत ही नहीं करती। उस दिन मैं तुम्हारे साथ भाग जाती, सीरियसली ना। तब तुम्हें लगता मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करेक्ट? ठीक है, फिर अगर इन शर्तों पे तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो फिर ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। एक बात जिंदगी भर याद रखना, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती ना, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही अच्छा है। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहती किसी भी बात की। मैं लास्ट टाइम तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कभी भी तुम्हारे साथ नहीं भागूंगी। वो इम्पल्सिव डिसीजन था मेरा जो मैंने उस टाइम लिया था। मैं अपने माँ बाप के सामने तुम्हारे लिए लड़ूंगी, छोड़ूंगी, स्टैंड लूंगी, लेकिन उनके पीठ पीछे उन्हें बताए बिना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं भागूंगी। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। और इसके बावजूद अगर तुम्हें मुझसे बातें नहीं करनी है तो इट्स ओके, मेरी तरफ से तुम पे अब कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि प्यार भी ना ज़बरदस्ती किसी से करवाया नहीं जा सकता। उसे करना ना करना पूरी तरह से हमारी खुद की चॉइस होती है, तो इट्स योर चॉइस। टेक केयर, जाती हूँ मैं यहाँ से। ये कह के राबिया वहाँ से जाने लगती है, तभी ईशु हाथ बढ़ा के उसका हाथ पकड़ती है और उसे जोर से अपनी तरफ खींचती है। कहती है मुझे बेकरार करके कहाँ चल दी? तो वो कहती है छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दें आपको? मेरा हाथ छोड़ो ईशु, ऐसे कैसे छोड़ें? या छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, तो कैसे छोड़ते हैं आप ही बता दीजिए। प्यार करती हूँ मैं तुमसे, प्यार
इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे ही नहीं समझ पाते हो तुम। कहती है, एक बात बताओ, बुआ ने हम दोनों को मिलने के लिए मना किया हुआ है। अगर मेरी बेवकूफ रानी, अगर मैंने तुम्हें ना बुलाया होता तो तुम इस घर में कैसे होती? तो मैंने ही तुम्हें बुलाया है ना। तो जब तुमने मुझे बुलाया है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? मैं तो बस ऐसे ही मस्ती मार रही थी तुम्हारे साथ। सीरियसली ईशू, मेरी जान सूखी हुई है और तुम मेरे साथ मस्ती मार रही हो। वाह, तुम्हारा सही है। अब ऐसा भी क्या कर दिया यार मैंने? नहीं, कुछ नहीं किया तुमने। मैं परेशान थी ये सोच सोच के कि कहीं मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। तो यीशु जावे का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते और कहते हैं, तुम कभी भी मुझे खो नहीं सकते, कभी भी नहीं, समझी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, एक दूसरे से रूठ सकते हैं, लेकिन ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ और ना ज़्यादा दिनों तक तुमसे नाराज़ रह सकती हूँ। और उस दिन तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था ना भागने का, जो मैं उस समय गुस्से में नहीं समझ पा रही थी। उसके लिए रैली रैली सॉरी कि तुम्हें मैंने इतना ज़्यादा परेशान किया, लेकिन यकीन मानो मेरा कि जितनी परेशान तुम थी ना, उतना ही दर्द मुझे भी हो रहा था। मैं भी उतनी ही परेशान थी, मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी। तो मैं उस दिन ग्राउंड में सबके सामने उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज आई एम सॉरी। राबिया कहते, इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं, बस मुझे कभी छोड़ना मत। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं। तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। राबिया की आंखों से कहते कहते आंसू निकलने लगते हैं। तो यीशु उसे अपने गले से लगा के बहुत देर तक वैसे ही खड़ी रहती है कि तभी अंदर बुआ जी की एंट्री होती है। और जैसे ही उनकी एंट्री होती है, राबिया को देखती हैं तो गुस्से से बौखलाई हुई होती है। उनके हाथ में जो यीशु के लिए खाने की प्लेट होती है वो ज़मीन पे गिर जाती है और वो आगे बढ़ के आती हैं और राबिया को यीशु से एकदम से अलग करते हैं और उसे खींच के चाटा मारने ही वाली होती हैं कि तभी यीशु उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बुआ खबरदार, खबरदार बुआ, अगर हाथ उठाया ना आपने तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं आपके लिए। ये कह के वो
बुआ का हाथ छूटते हैं तो बुआ ईशु को ही खींच के थप्पड़ मारने वाले होते हैं कि तभी राबिया बीच में आ जाती है और वो थप्पड़ राबिया को पड़ता है। और थप्पड़ इतनी जोर का होता है कि राबिया के गालों पे उंगलियों का निशान छुप जाता है, जिसे देख के ईशु का दिमाग खराब होता है और अपने बुआ की तरफ आगे बढ़ती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई बुआ राबिया पे हाथ उठाने की। लेकिन राबिया उसे पकड़ते और कहते ईशु शांत हो जाओ प्लीज़, वो बुआ है, वो कुछ भी कर सकती है, प्लीज़ शांत रहो तुम, प्लीज़ ईशु कहती। लेकिन इन्होंने तुम पे हाथ कैसे उठाया, कहती है इट्स ओके। उसकी वो कहती है अभी तो हाथ उठाया है बस, तुम देखो मैं आगे आगे क्या करती हूँ। कहती जाओ करो, कहती राबिया की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। और ये कह के राबिया का हाथ पकड़ते हैं, उसे रूम से बाहर खींचने लगते हैं तो ईशु उनका हाथ पकड़ के जोर से झटकते और कहते खबरदार बुआ, मेरी स्टोरी में ना ज़्यादा विलन बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे नहीं पता आपको सडन मुझसे क्या प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन मेरी स्टोरी में विलन बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।